दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम से जुड़ी पल पल की सबसे सच्ची और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर देना होगा, ताकि जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोड किए जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का जो रिटर्न एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है, हालांकि सेकंड शिफ्ट का री एग्जाम कराया गया। उसके बाद यहाँ पे हम एक कट ऑफ लेकर आए हैं आपके लिए, यह कट ऑफ सिर्फ आपको फिजिकल तक ले जाएगी, ठीक है। फिजिकल के बाद उसमें डिसाइड होगा कि लो मेरिट वाले फिजिकल ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं कि हाई मेरिट वाले फिजिकल ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके बाद कुछ निर्णय लेकर कहा जा सकता है। अभी बहुत हाई मेरिट बता दें, पता चला कि वहाँ पे जाके हाई मेरिट वाले फेल हो गए और लो मेरिट वाले पास हो गए, तो मेरिट वहाँ पे लो हो जाएगी। तो आप इस चिंता में फिजिकल की तैयारी अच्छे से ना करें कि हमारा नंबर कम है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका मार्क्स इसके आसपास आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए हम आपको देरी ना करते हुए बताते हैं कि आपका जो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है कितना जाने वाला है। दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं, यह कट ऑफ आपका फिजिकल के लिए है, फिजिकल तक आपको ले जाएगा अगर इतना आपके मार्क्स हैं। चलिए सबसे पहले जनरल मेल की बात करते हैं, तो अगर आपका 180 के आसपास आ रहा है प्लस माइनस 5 में अगर आप आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जनरल मेल फीमेल की बात करें तो 170 के आसपास अगर आप हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, प्लस माइनस 5 आप ले सकते हैं आसपास इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी जनरल का ओबीसी मेल का देखिए 175, ओबीसी में जो बॉयज़ हैं अगर 175 है या इसके आसपास है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए रनिंग की, रनिंग में आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद फीमेल की बात करें तो ओबीसी 165, इसके आसपास अगर आप हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। एससी मेल में 160, फीमेल 145, एसटी 150 मेल, और वहीं फीमेल की बात करें तो 140। देखिए अब बात करते हैं एक्स सर्विस मैन की, तो इनका जितनी वैकेंसी थी उतने लगभग फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, तो इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम उतना पास कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे, बस आपको फिजिकल निकालना होगा। तो आपके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। बाकी ये जो कट ऑफ है आपका फिजिकल तक आपको ले जाएगा, 100% ले जाएगा, श्योर ले जाएगा, आपको इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को निकाला जाएगा। उसके बाद मेडिकल में कुछ लोग निकलेंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे फिजिकल में जो डिस्क्वालीफाई होंगे, तो उसमें मेरिट कम मेरिट वालों को मौका दिया जाएगा। तो अगर इसके आस पास हैं तो आप श्योर 100% तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में पछताना होगा कि अगर आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होकर चले आते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।